जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपके मन में आपके दिमाग में बातें चल रही हैं कि 2023 में एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो हम वीडियो लेके आ गए हैं, फुल डिटेल से हिंदी में बताएंगे 101%। कोई फेक कोई कुछ नहीं वीडियो है, पूरा एनालिसिस करके काफ़ी मंथन करके इसको कट ऑफ लेके आया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लोग, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ये चैनल आपके बहुत काम का है, ठीक। चलते फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2021 से लेकर के 2023 में, देखिए दोनों का एनालिसिस करके हम बताएंगे, देखिए कट ऑफ क्या रहने वाली है 2023 में, ठीक। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2021 में जो वैकेंसी आई हुई थी, देखिए टोटल पर कितना था, 25,271, ठीक। अब हम समझ लेते हैं 2023 में देखिए कुल पद कितने हैं, 45,284 पद था, लेकिन एसएससी वाला कंपनी वाले इतने खुशी हो चुके हैं, देखिए काफ़ी वैकेंसी आ भी रही है एसएससी सीजीएल का सीएचएसएल का। तो देखिए यहाँ पर देखिए जीडी का वैकेंसी जो आई थी 45,284, उसको बढ़ा करके कुल कितना कर दिया गया है, 46,435, ठीक। देख सकते हैं उसके मुकाबले कितनी दोगुना वैकेंसी है, ठीक। अब देखते हैं कुल फार्म कितने पड़े थे 2021 में, 71 लाख फार्म पड़े थे, ठीक 2021 में। अब 2023 में कुल कितने फार्म पड़े हैं, 54 लाख। आप यहां पे देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। यहां पे देखिए फार्म भी देखिए कम है, ठीक, और लोग ज़्यादा फार्म भी फिलअप किए हैं, ठीक। पोस्टिंग भी कम है और फार्म ज़्यादा गिरा भी यहाँ पर कम है। और यहाँ पे देखिए क्या देखा जा रहा है, देखिए पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पे फार्म भी बहुत कम डाले हुए हैं। इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि जो 2023 में कटा बनेगी 2021 के मुकाबले काफ़ी कम कटा बनेगी, ठीक। अब देखते हैं हम आगे चलते हैं 2021 में एक सीट पे 281 कैंडिडेट को हमें फाइट करना था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक सीट 119 लोगों के आगे हमें जाना होगा, ठीक है, 119 लोगों को हमें आगे जाना है, ठीक, 119 लोगों को पीछे छोड़ के, ठीक। आप देखते हैं एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न देखिए काफ़ी अंतर, काफ़ी डिफरेंट मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन एक नंबर का होता था, अब जो 2023 में जो वैकेंसी आई है 2023 में, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दो नंबर का हो गया है, ठीक। देखिए बहुत बड़ा खेला हो गया है, देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, लेकिन यहाँ पे 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, एक क्वेश्चन जो किया गया है वो दो नंबर का किया गया है, ठीक। यहाँ पर देखिए समय का, देखिए मेन खेला तो कंपटीशन में कहाँ आती है, समय की, समय मैनेजमेंट, ठीक। यहाँ पर देखिए समय 90 मिनट, 1.5 घंटा, देखिए 2021 में वैकेंसी जितनी आती थी 1.5 घंटा टाइम दिया जाता था, लेकिन इस साल 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसका समय घटा करके कितना कर दिया गया था, 60 मिनट 1 घंटा। जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे, डायरेक्ट हम एग्जाम सेंटर से स्टूडेंट से एनालिसिस कर रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि देखिए टाइमिंग का पता नहीं चल रहा था कि कब टाइमिंग कब बीत गया, ठीक। जो स्टूडेंट काफ़ी मॉक टेस्ट किया था, काफ़ी प्रैक्टिस किया था, उस वही बच्चा अपना टाइमिंग मैनेजमेंट कर पाया है, ठीक। अदर बच्चा नहीं कर पाया, बोला कि मेरा क्वेश्चन छूट गया, उतना कुछ मैथ क्वेश्चन छूट गए, पूरे क्वेश्चन नहीं देख पाए, तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ठीक। यहाँ पर देखिए, और देखिए जो बात होती है मैथ और रीजनिंग की, मेन तो टाइमिंग का खेला होता है, टाइम टेकन वही क्वेश्चन होते हैं, जो मैथ और जो रीजनिंग जो खेला खेल गया वो अपना 2023 में एक सीट पक्का कर ले गया, ठीक। और जो भी मैथ रीजनिंग जिसका भी मजबूत है तो उसका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है, ठीक। मैथ और रीजनिंग से ही सिलेक्शन होता है, जहाँ तक सारा चीज़ें स्टूडेंट की जितने भी एक्सपीरियंस देखा गया है, जितने लोग सिलेक्शन पाए हैं, जिसका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है वो सिलेक्शन बहुत जल्दी पाते हैं, ठीक। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम कट ऑफ जान ले लेते हैं कि 2021 में मेल फीमेल हर एक कैटेगरी का हम जान लेंगे, और 2023 में भी मेल और फीमेल हर एक कैटेगरी का हम जानेंगे कि क्या रही थी और 2023 में क्या रहने वाली है, 101%, ठीक।
उससे देखिए पॉइंट में आगे पीछे होगा तो होगा, लेकिन जो सेम बताए हुए हैं यही रहने वाला है। ठीक, देखिए जर्नल का देखिए 2021 में कट ऑफ कितना था मेल के लिए 85.26। अब देखिए 2023 में देखिए कट ऑफ क्या रहेगी जर्नल के लिए 104। जैसे कि एक क्वेश्चन दो नंबर का हो गया है तो इसीलिए 104 देखिए गिनती में ज़्यादा दिख रहा है। ठीक, यही यदि क्वेश्चन एक नंबर का होता तो 52 पे जाती। ठीक, तो चले फ्रेंड्स और आगे हम चलते हैं ओबीसी का, देखिए देख लेते हैं कितना रहने वाला है 84.46 था। ठीक, और एससी वालों का कितना था 78.49, एसटी का कितना था 78.16, ईडब्ल्यूएस का कितना था 83.66। अब हम समझ लेते हैं फीमेल का। ठीक, देखिए जनरल वालों का फीमेल कितना गया था 78.94। ठीक, और यहाँ पे देखिए फीमेल में 2023 में कितनी जाएगी जनरल का 100, यहाँ पे देखिए ओबीसी का कितना रहेगा 99 मेल में, और फीमेल में कितना रहेगा 97, एससी में 87, फीमेल में 77, एसटी में 85, एसटी में यहाँ पे 71, ईडब्ल्यूएस में 97 और फीमेल में 92। तो फ्रेंड्स लोग जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई फेक नहीं है, 101% सत्यता के साथ काफ़ी मंथन काफ़ी लोगों से बातचीत करके जो एग्जाम जो क्वालिफाई कर चुके हैं, कई स्टूडेंट से मिले हैं काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स लोग जैसे कि आप लोग देख लिए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।